गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सर्वोत्तम कुमार यादव। स्टूडेंट, आज आपको क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर लेसन पढ़ाया जाएगा, आप जिसका नाम है कुछ काम करो। स्टूडेंट, यह एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने हम सबको प्रेरित करते हुए बताया है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हर एक काम हम अपने मेहनत से ऊर्जा से कर सकते हैं और ऐसा हमें करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमें ईश्वर ने किसी काम के लिए दिया है ताकि हम काम करके जग में अपना नाम कर सकें। हमें ईश्वर ने अपने दो हाथ कर्म के लिए दिए हैं और इसको करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, न कि काम से निराश होकर के दुखी हों या अपने आप को अक्षम समझें। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसमें मैथिली शरण गुप्त बताते हैं हम लोगों को कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी कि हम जग में आए हैं तो हमें कुछ काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ करके संसार में अपना नाम करें, अच्छे कामों में अपना नाम करें। जब हम काम करेंगे तो संसार में हमारा नाम होगा। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। हमें यह समझना चाहिए जन्म हुआ किस अर्थ हो, हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारा जन्म किस अर्थ, किस कारण हुआ है, यानी कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है, किसी कर्म के लिए होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमारे जन्म का अर्थ मतलब क्या है, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। और इसको हमें इस कारण को समझना चाहिए कि जिससे हमारा यह जीवन व्यर्थ यानी बेकार न जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। और कह रहे मैथिली शरण गुप्त जी कि इस जीवन के इस अर्थ को हमें समझना चाहिए और इस अर्थ को समझ करके हमें कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीवन व्यर्थ मतलब बेकार न जाए। और कुछ तो उपयुक्त करो तन को, मतलब कुछ न कुछ तो उपयुक्त प्रयोग अपने शरीर का लाना चाहिए, मतलब हमें आलसीपन में या निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने शरीर को अपने अंगों को काम में लाना चाहिए, अपने हाथों को काम में लाना चाहिए, जिससे हमारे तन का क्या हो, उपयुक्त हो, कुछ उपयोग हो। नर हो न निराश करो मन को। और कर नर मतलब मनुष्य, कर रहे मनुष्य तुम क्या हो, काम के निराशा से निराश मत हो, कि ये सोच के कि ये हम काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी क्षमता से बाहर है, और इस तरह से सोच करके या फिर असफलता से घबरा करके निराश न हो, अपने मन को निराश मत करो। प्रभु ने तुझको करदान दिए, कह रहे हैं कि प्रभु यानी कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है वह तुझको क्या दिए हैं, मनुष्य को, कर मतलब बाँ हाथ, कह रहे हैं कि यह कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कह रहे हैं सभी वांछित वस्तु विधान किए, जितने भी ऐच्छित वस्तुएं थी, कह रहे हैं कि वांछित वस्तु जो हमारी इच्छा थी कि हमें ये वस्तु चाहिए, सभी वस्तुएं प्रभु ने क्या किए, विधान दी, हमें प्रदान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। करें तुम प्राप्त करो उनको न हो, करें तुम सभी कामों को जो प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं, इच्छित अंग दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, उनको तुम क्या करो, उनके सहारे तुम काम को प्राप्त करो, यानी कि अपने लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त करो, फिर यह किसका यह दोष कहो। और फिर अगर काम में सफलता मिले, निराश हो, तो वह दोष किसी और को मत दो, यह मत कहो कि हमें ईश्वर ने ये चीज़ नहीं दिया तो जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए, या हमें ईश्वर ने तेज दिमाग नहीं दिया, ईश्वर ने हमें अच्छा शरीर नहीं दिया, धन दौलत नहीं दिया, नहीं तो हम आगे बढ़ गए होते, ऐसा सोच करके तुम दूसरे को दोष मत दो, ऐसा सोच करके तुम निराश मत हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कर किसी भी धन को तुम अलभ्य मत समझो, अलभ्य मतलब इसे दुर्लभ मत समझो, यह मत समझो कि यह वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या यह हमारे वश के बाहर है,
तो ऐसा समझ के तुम मनुष्य निराश मत, अपने मन को निराश या कमज़ोर मत समझो, और तुम कोई भी काम अपने परिश्रम से कर सकते हो। इस तरह से मैथिली सरल गुप्त जी ने हमें बताया है कि हमें जीवन में क्या होना चाहिए, किसी काम से निराश नहीं होना चाहिए, और हमें अपने जो ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसमें खुश रह करके अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। और ऐसा अगर हम अपने कर्तव्य को करेंगे तो हम जग में आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे संसार में हमारा नाम होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह फर्स्ट चैप्टर जो था हिंदी फर्स्ट का समाप्त हुआ, जिसे मैथिली सरल गुप्त ने लिखा था। तो इस तरह से हमें इस कविता से प्रेरित होना चाहिए और इसमें जो शिक्षा दी गई है उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें किसी भी काम से कभी भी किसी से निराश नहीं होना चाहिए, कभी किसी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, और हर काम हम अपने मेहनत से कर सकते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ भी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ परिश्रम करना पड़ेगा, और कभी भी अपने मन को निराश न करें। और ऐसा हम करेंगे तो निश्चित ही हम संसार में सबसे आगे बढ़ेंगे और लोग हमारा नाम करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। तो इस तरह से कुछ काम करो अध्याय समाप्त हुआ, और इसके बाद वाले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज दिया जाएगा, स्टूडेंट इसे आप पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। हैव ए नाइस डे।